गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों द डेजी फिश में आप सभी का फिर से वेलकम। और दोस्तों आज हमें एक बड़ा काम करना है। बड़ा काम क्या है भाई? हमारा ये जो पौंड है ना, पौंड का वाटर हमें सारा निकलना है और हमारे पौंड को हमें फिर से वाटर चेंज करना है। सिंपल ओके। तो यार यहाँ पे हम वाटर क्यों चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे जितने भी टक्सीडो गप्पीज है और अदर जितने भी फिशेस हैं, हम यहाँ से सब निकलने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ मौली फिश और शॉर्ट टेल और रेड कलर की, मैं जो मार्केट में जाऊँगा जो मुझे गप्पी अच्छी लगेंगी, ज़्यादा फोकस तो हमारा रेड गप्पी पे ही रहेगा। तो जैसे ही मार्केट के हमें जो गप्पी फिश अवेलेबल रहेगी, हम वो ब्रीड लेके आएंगे और यहाँ की जितनी भी हमारी टक्सीडो गप्पीज है और वो वाइट टंकी में जितनी भी टक्सीडो गप्पी है सब नीचे जाने वाली है। ठीक है, हमारा जो मैंने कल टैंक रेडी किया तो हमारी सब गप्पी में उसमें छोड़ने वाले। सबसे पहले क्या करना है भाई, ये जो अड़चन हो रही है ना, ये अड़चन मैं साइड में कर लेता हूँ क्योंकि ना मैं बार बार गिर जा रहा हूँ। मैं अभी इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये उधर है करना, खींचना उधर। हाँ खींच खींच। ओके, ये निकल गया। ओके, और ये ना उधर रख दिया। अभी खींचो उधर, खींचो 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 उधर से। हमें वहाँ पे फिट करना है। वहाँ से निकल गया, हल्के से हमने लगाया था तो ये ऐसे ऊपर करके निकल गया। तो इसे हमें फिर से वहाँ पे अड़काना है और इधर हम फिर से पहले जैसा कर देंगे जब पानी चेंज हो जाएगा तब। तो यार दोस्तों सबसे पहली हमारी स्टेप क्या होगी भाई? सबसे पहली स्टेप होगी हमारी, यहाँ के जितने भी अभी छोटे छोटे बेबीज हैं मैं वो कैच करने का प्रयास करूँगा। अभी सबसे पहले मैं फूड डालता हूँ और फूड डालने से मैं जितने कैच कर सकूँगा मैं सारे बेबीज कैच करूँगा, क्योंकि हम जब ड्रेन खोलेंगे ना, जो ड्रेन से ना सारे बेबीज है ना भाई निकल जाते। इसकी वजह से यार हमें जितने पकड़ में आएंगे हम पकड़ लेते पहले, फिर हम उसका ड्रेन खोलेंगे। इसमें पहले ना पानी भर लेते हो। यहाँ पे देखो यार, सारे के सारे बेबीज ऊपर आ रहे हैं यार। ब्लैक मौली के सबसे ज़्यादा बेबीज है यार, नज़र तो आ रहे हैं यार। अभी चलो ये इसमें हम कैच करेंगे हमारे मौली फिश के बेबीज और कौन कौन से निकलते हैं भाई क्या मालूम। तो चलो यार अभी मैं ब्लोडोम डाल देता हूँ थोड़े बहुत। तो ये सारे के सारे अभी ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आने देते हैं, फिर इनको हम कैच करके हमारे टब में डाल लेंगे। यार बड़ी बड़ी मौली फिश आ रही है। ये देख कितने सारे बेबीज है, देखिए 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 देख। होय होय होय, वहां पे भी हो इस कोने में। और आने देते, सारे के सारे आ गए ना तब हम कैच करेंगे इनको। तो मुझे कंप्लीट 10 मिनट्स हो गए और 10 मिनट से मैं यहाँ से बेबीज कैच कर रहा हूँ और मुझे इतने सारे बेबीज मिले यार। तो देख सकते हो यार, यहाँ पे ना हमारी ज़्यादातर ना हमारी टक्सीडो गप्पीज निकली, क्योंकि मैंने नीचे से शिप करते हुए यहीं पे डाली थी हमारी टक्सीडो गप्पी। आपको पता होगा यार, पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे शिप की थी। तो यार यहाँ पे देख सकते हो यार कितने सारे बेबीज निकले यार, मौली फिश के। ज़्यादा मौली फिश के ही लग रहे हैं मुझे और टक्सीडो गप्पीज है भाई, और शॉर्ट टेल सबसे कम है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ से शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग यहाँ से हम जितने भी टक्सीडो गप्पीज है यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे और जो मौली फिश के बेबीज है वो हम वाइट टंकी में शिप कर देंगे। और है भाई यहाँ पे और पकड़ लेते, फिर मैं आपको मिलता हूँ। अभी मैंने एक प्लानिंग किया, हमें ना यहाँ पे ड्रेन को ना जाली लगा के रखेंगे यहाँ पे और ड्रेन सीधा खोल देंगे, क्योंकि ना अभी ना भाई धूप भी आने लगी और धूप है ना भाई, दोपहर की जो धूप होती है ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और भाई मुझे तो ठीक है यार, बट हमारे वाटर लिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि हम पानी पूरा खाली कर देंगे और पानी खाली करते हैं भाई, ये आपको पता है यार बाहर रहेगा तो धूप से ख़राब भी हो सकता है। इसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी काम करना है। तो भाई मैंने क्या सोचा, अभी हमारे जो गप्पी विश है ना, ये सारी की सारी बेबीज और गप्पी विश में उठा कर है ना हमारे जो वाइट कलर की टंकी है वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, ये जो व्हाइट कलर की टंगी है ना यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैं भाई बाद में कैच कर लूँगा। तो चलो भाई यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। चलो चलो चलो, ढेर सारे हमारे यहाँ पे गप्पी फिश के बेबीज और गप्पी फिश गई। तो ठीक है, इनको मैं बाद में अभी कैच कर लूँगा थोड़ी देर में, जब हमारे यहाँ से सिर्फ टक्सीडो गप्पीज निकालनी है हमें और जो प्लेटी फिश वगैरह है ये हमें बिग पॉन्ड में शिफ्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारे सारे के सारे बेबीज रहेंगे, ये हमारा अभी बेबी पॉन्ड रहेगा। ठीक है, आज से हमारे बेबी पॉन्ड रहेगा। तो चलो भाई अभी हमें ड्रेन खोलता हूँ और जल्द से जल्द यहाँ का पानी रिमूव करते हैं। तो चलो भाई, मैंने जल भी लगा दी। खुल जा भाई, खुल जा।
जाली लगा के रखा, मतलब हमें एक भी फिश को इस बार जाने नहीं देना है कि ओए शिट 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 शिट, इसे पकड़ के रखना है यहाँ पे, पकड़ के रख। यहाँ से फिश निकलेंगी फिर ओपार इसमें डालने की, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे दोस्तों हमारा अभी 10% पानी कम हो गया, तो चलो भाई अभी जल्दी से जल्दी खाली हो जाएगा। और भाई हमें ये निकालना है भाई, सबसे मुश्किल काम होता है भाई इसे निकालना भाई, मुझे ही पता है भाई मैं इसे कैसे निकालता हूँ और बाहर कैसे रखता हूँ। अभी बहुत बड़ा भी हो गया यार हमारा वाटर लिली, पहले बहुत छोटा था यार, तब इजीली हम इसे उठा कर रख देते थे साइड में, पर अभी इतना बड़ा हो गया ना ये। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, हमारे जो वाटर कैबेज है ना ये शक्कर फिश के टंकी में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये भी ड्रेन में जा सकती है। अभी यार ये किसने, तो चलो भाई इस शक्कर फिश के टैंक में रख देता हूँ इनको, मतलब ये यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। ओके, और दोस्तों ये देखो कितने सारे बेबीज है, ये देखो ये बहुत सारे बेबीज है भाई यहाँ पे, तो मुझे भी ना अंदर जाना होगा और अंदर से सारे बेबीज में कैच करने होंगे। पहले वाटर कैबेज कैच कर लेता हूँ, और यार इस कोने में यार उधर तक मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। ओए जाली कहाँ गई, जाली से निकालना होगा इनको। ओए 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 आ गई आ गई आ गई। चल भाई तू भी आ जा, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ओके, और एक वाटर कैबेज कहीं दिख रही क्या, ये एक है और एक छोटा बेबी वाटर कैबेज, और कहाँ है, नहीं है भाई अभी तो नहीं है। इनको अच्छे से फैला देते हैं, तो अभी हमारा पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से जितनी भी फिश वगैरह होगी जो एक्स्ट्रा आएगी तो यहाँ पे फंस जाएगी और हम फिर से इनको टब में डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारी वाटर कैबेज अभी मुझे उठानी है, सबसे ज़िम्मेदारी वाला काम, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, तो चलो भाई उठाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे हमारी जो वाटर कैबेज वो भी यहाँ पे रख दी एकदम अच्छे तरीके से, और अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने हमारा जो वाटर है पूरा 70% खाली कर लिया है, अभी सिर्फ 30% हमारा वाटर खाली करना बाकी है। जब 10% हम थोड़ा बहुत रहने देंगे और बाकी सारी फिशेस हम कैच कर लेंगे और हमारी जो वेट टंकी है हम सारी की सारी फिश वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी अंदर से हमें बहुत सारी अलग अलग मतलब क्या मिलता है भाई, अभी क्या मिला भाई, नेट मिली यार। देख भाई ये कब से मैं ढूंढ रहा था, कहाँ गई और ये अभी अंदर पड़ी थी, तो यार अभी क्या मिलता। ओह ये देख क्या है, अभी क्या है, ग्रेनेड है भाई, ये किसने डाल दिया यार यहाँ पे। शिट 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 ओके, तो यहाँ पे ना वाइल्ड स्नेल ने भाई पूरा अटैक ही कर दिया है भाई, हमारे जो एप्पल स्नेल के अंडे होते हैं ना भाई हैच नहीं होने दे रही यार, क्या पता यार क्या इन्होंने भाई क्या कर दिया। देखो भाई यहाँ पे सारी ना ये सारी की सारी ना वाइल्ड स्नेल है यार, मतलब क्या अभी ना भाई पूरा हम क्लीन करेंगे अच्छे से, इसे घिस लेंगे भाई, धूप होगी तो कोई नहीं भाई, बट इसे घिसना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना वाइल्ड स्नेल है हमारे एप्पल स्नेल ने देखो कितने सारे अंडे दिए भाई, पूरे अंडे 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 भाई, बट है ना वाइल्ड स्नेल कैच मतलब मुझको हैच नहीं होने देती यार। मुझे एक यहाँ से एक सरप्राइजिंग चीज़ मिली है भाई, सरप्राइजिंग चीज़ क्या है भाई, ये है भाई हमारा टर्टल, मैंने यहाँ पे छोड़ा था, कितना क्यूट यार हमारा रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, वाओ। चलो भाई अभी मैं इसे भी कहाँ पे रखने गई, इसको फिशेस में ही रख देते ना। चलो भाई होय होय होय, कितना क्यूट है यार ये। चल भाई तू ये मैं ना यहाँ पे रहे थोड़ी देर, हम अभी ना यहाँ पे ना हमारी मॉली वगैरह सब यहाँ पे ऐड कर देंगे, और फिर है ना जब हमारा बड़े पॉन्ड का पानी चेंज हो जाएगा और नीचे हमारा वाइट टक्सडो का जो टैंक भर जाएगा, हम सारी की सारी फिश फिर उनकी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। टर्टल है वहाँ पे, अभी और एक टर्टल है भाई, वो भी हमें ढूंढना होगा, यहीं पे है वो, उसकी छोटी फीमेल, ये बड़ा मेल था क्या, फीमेल थी यार, मेल था, बड़ा बड़ा था ना, मेल था। तो और एक यहाँ पे टर्टल है, वो भी हमें कैच करना है यहाँ से, कहाँ गया ये। और मुझे काफ़ी सारे भाई कह रहे थे भाई आप है ना वहाँ से टर्टल रिमूव कर दो आपके मॉली पॉन्ड से, यार अभी कर लेंगे ठीक है ना, क्योंकि बोल रहे थे भाई आपके जो फिश के बेबीज है ना और टर्टल खा जाएंगे, तो अभी हमें टर्टल यहाँ पे नहीं ऐड करने, यहाँ पे सिर्फ हमारी फिश रहेंगी और उनके साथ छोटे छोटे शक्कर फिश के हम बेबीज वगैरह छोड़ देंगे। तो दोस्तों मैं अभी क्या करता हूँ, हमारे पॉन्ड के मैं अंदर जाता हूँ और जितनी भी सारी गंदगी मतलब हमारे जो एप्पल स्नेल्स वगैरह इन मैं साइड को निकाल लेता हूँ, सारे फिश भी साइड को निकाल लेता हूँ, और जो ग्रेनेड वगैरह जो गंदगी पड़ी है भाई सब साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ।
दोस्तों यहाँ से हमारी एप्पल स्नेल इतनी सारी निकली भाई, सारी की सारी हेल्दी है, इनको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमारी ये एक है ना भाई, ये खोखली निकली, मतलब यार इसे क्या होगा क्या मालूम। बट पिछली बार है ना यार, हमारी 20 से ज़्यादा एप्पल स्नेल मर चुकी थी। ओए और एक निकली यार, ये भी खोखली क्या? अबे यार ये अच्छी है। तो यार देखो हमारी इतनी सारी एप्पल स्नेल, सारी बड़ी की बड़ी एप्पल स्नेल है हमारी, सिर्फ हमारी दो खोखली यार, क्या पता इनको क्या होगा, बाकी सब ठीक है, मतलब इस बार हमारा रिजल्ट अच्छा है यार। पानी बनकर यहाँ पे बहुत सारी भाई हमारे ट्रैप में फिश फंसी है। ओए 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 पानी बंद करके रखा। ओए बलून मॉली शायद, मुझे नहीं पता कौन सी, बट बलून मॉली जैसी ही है। और ये हमारी बिग मॉली, वही बेबीज तो बहुत सारे यार। चलो इनको सीधा ऐसा कर देता हूँ, बल्टी मार देता हूँ यहाँ पे। चल भाई फिर से छोड़ पानी, मैं यहाँ पे फिर से कैच कर लूँगा। इसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे हमारी फ़िश अटक जाती है, मतलब यहाँ से ना सीधा नहीं निकल जाती, क्योंकि ना निकलने से भाई फिर हमें नहीं मिलेगी बाद में, वो सीधा हमारे गार्डन में जाएंगी और सब फिर पानी सब प्लांट्स को जाएगा और सब सूख जाता है पानी वहाँ पे। ये देखो यार हमारे यहाँ पे कितने सारे, ओए होए 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 कहा गई यार ये, वो यहाँ पे ये थी ना यार शॉर्ट टेल। हाँ ये देखो यार कितनी सारी शॉर्ट टेल की इस बार ज़्यादा बेबीज यार, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एक एक करके निकल रहे सारे के सारे। को एक मैं बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे जो पॉन्ड का जब वाटर चेंज होता है ना, तब हमारे थोड़ा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इसकी वजह से ना मैं दो पार्ट करके भी डाल सकता हूँ, बट अभी तो नहीं कह सकता, जब ये होगा तभी ये होगा। भाई अभी फिश मत पकड़, रुक थोड़ा और पानी कम हो जाने दे, फिर हम फिश पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है? अभी जितनी भी गंदगी ना, मैं क्या बोलता, ये हम सारी की सारी वॉल है ना अच्छे से क्लीन कर लेंगे, मैं अंदर आता हूँ, मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है? तो बाहर आ जा तब तक। तो हमारी सारी एप्पल स्नेल में क्या करता हूँ ना, अच्छी जगह पे रख देता हूँ, मतलब थोड़ी धूप से भी बची होगी यार, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है यार। शिट यार धूप। चलो भाई मैं इनको ना यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे आराम से रहेंगे, और बाकी सारे फिशेज यहाँ पे ठीक भी है। एलिगेटर गार भी देख लेता हूँ यार क्या कर रहा है। एलू ठीक है ना तू? हाँ ठीक है। एलू देखो यार, एलू अटैक में मूड में रहता है यार हमेशा, देखो यार आपको अटैक में मूड में ही देखेगा। चल भाई मैं अभी अंदर आता हूँ, मैं सारा क्लीन करता हूँ। हमने धोने से पहले एक प्लानिंग किया कि भाई यहाँ पे ना हम सारे के सारे फिश कैच कर लेते, और है ना दोस्तों मुझे एक यहाँ पे ना पोलर पैरेट का बड़ा बेबी मिला यार। कहाँ पे गया यार वो? अबे यार यही पे यार, और आएगा ना मैं आपको फिर से बता दूँ कितना बड़ा हो गया यार। आया था फिर से भग गया। मोली ला ना इधर, ला इधर, ला जल्दी डाल पलटी मार इधर। ओके देखो हमारी दोस्तों चॉकलेट मुंटेल मॉली, इसका आप गई यार भग गए यार, ये हमारा सबसे बड़ा मेल है यार। ये देखो भग गया यार, ये मैं कुर्दा मार्केट से लाया था। और है क्या? ला। चलो इनको भी मैं पलटी मारता हूँ। भाई मैं सारे फिशेस को ना छोड़ देता हूँ बड़े वाटर में। हमारा सारा अभी पॉन्ड मैंने पूरा खाली कर दिया, और यहाँ अभी मतलब थोड़ा पानी बचा है 5%, और यहाँ की सारी के सारी हमने फिश और जो गंदगी वगैरह थी सारी की रिमूव कर ली। अभी सिर्फ हमें ये जो क्या बोलते हैं इसे, वॉल वगैरह जो है ना सब घिस लेंगे, फिर आपको मैं नहीं यार यहाँ से कितनी फिश मिली आपको वो भी दिखाता हूँ यार। देखो ये हमारी इतनी सारी यहाँ पे ब्रूडर मॉली मिली, जो कि मैंने इसे अच्छे पानी में निकाल दिया है, सारी की सारी हमारी बड़ी ब्रूडर मॉली। और भाई इनके साथ हमारे पोलर पैरेट के चुंकू मिंकूज मिले हैं, देखो यार कितने बड़े बड़े हो गए हमारे पोलर पैरेट्स के बेबीज। ये हमारे मुझे ना 20 से ज़्यादा मिले, ये हमने जो नीचे से शिफ्ट किए थे, हमारा जो बेबी पॉन्ड था नीचे वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो भाई ये यहाँ से मैंने कैच किए, और यहाँ पे भाई थोड़े बहुत बेबीज़ हैं और यहाँ से हमें कैच करने हैं, तो भाई वो भी कर देता हूँ मैं। पहले इनको ना मैं सेफ जगह पर रख देता हूँ, क्योंकि ना धूप ज़्यादा बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो मैं इसे क्या करता हूँ ना थोड़ा बड़ा पानी देता हूँ, फिर हमारा पॉन्ड घिसने में थोड़ा देर लग जाएगा, एक घंटा लग जाएगा यार। तो चलो ठीक है, अभी मैं पॉन्ड वगैरह सब साफ करके मैं आपको मिलता हूँ ना दोस्तों यहाँ पे।